जैसा कि अभी अभी आपको कोई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, या फिर एक जैसा कि एक सादा सा आप कोई लर्न करना चाहते हैं और वो आप लर्न नहीं कर पा रहे, तो अब इसमें दो एटीट्यूड होंगे। एक तो ये एटीट्यूड रहेगा कि भैया इसको छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। दूसरा एटीट्यूड रहेगा कि इसको और दूसरे तरीके से कैसे याद किया जाए। तीसरा एटीट्यूड ये रहेगा कि जिसको वो याद है, जैसा तुम्हारा कोई सीनियर है या तुम्हारा कोई दोस्त है, उसके उससे जाके आप पूछोगे। यानी इसमें दो एटीट्यूड हो गए, एक या तो उसे छोड़ देना या उसके लिए दूसरे सॉल्यूशंस निकालना, मतलब दूसरे तरीके निकालना कि वो मेरे को तो लर्न करना ही है, अब दूसरा तरीका क्या है। तो ये जो एटीट्यूड रहता है कि दूसरे तरीके क्या रहते हैं, उस चीज़ को मैं कैसे अच्छे से कर सकता हूँ, ये चीज़ आपको आपके ज़िंदगी में यानी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। सो ऑलवेज हैव अ गुड एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड वेन एवर देर इज अ लाइफ। अगर आप जिंदगी में जी रहे हैं, मतलब आप बड़े हो रहे हैं, अभी पहली से दूसरी में गए, तीसरी में गए, हर बार आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई ना कोई चैलेंज आएगा। उस चैलेंज को ओवरकम करने का जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, ये अगर आपने एक बार डेवलप कर लिया तो आपको जिंदगी में कोई भी बड़ा प्रॉब्लम बड़ा नहीं लगेगा। आपको हमेशा ये पता रहेगा कि इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, क्योंकि आपका माइंडसेट, मतलब आपके दिमाग ने आपको ये बता दिया है, आपके एटीट्यूड ने ये बता दिया कि मेरा एटीट्यूड ऐसा भी है, मैं तो इसको सॉल्व करूंगा। सो डियर फ्रेंड्स, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।